हम वन शोल्डर टॉप की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 17 इंच, अक्रॉस बैक 14 इंच, ब्रस्ट 36 इंच, वेस्ट 30 इंच, स्लीव लेंथ 6 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ निकाल लेगा फॉर्मेट फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। फुल लेंथ 17 इंच है, सीम अलाउंस हाफ इंच, टर्निंग 1.5 डेढ़ इंच इज इक्वल टू 19 इंच। कपड़े पर कटिंग करते वक्त इसी फॉर्मेट के हिसाब से लंबाई लेंगे। यहां पर हम 1/4 पे ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, ये वन शोल्डर है, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं इसको 1/2 पे करूंगी, 1/4 पे नहीं करूंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ की मार्किंग जो है एक रफली यहाँ पर सेंटर में लेंगे। यहाँ पर ये हमने यहां से यहां तक लेंथ के लिए लाइन ड्रॉ की है ताकि हमें पता रहे कि हाँ हमारी यहां से यहां तक लेंथ है। अभी हम यहां पर 1/4 में कर रहे हैं, 1/4 में करते हैं ड्राफ्टिंग, लेकिन यहां पर 1/2 पे करेंगे। बैक और फ्रंट दोनों की एक साथ होगी, ये वन शोल्डर टॉप है इसलिए। तो यहां पर ये जो हमारी लाइन है इसको हम सेंटर मान लेते हैं। सेंटर मानने के बाद इसमें हम जो तीरा लेंगे इस सेंटर लाइन से आधा इधर और आधा इधर लेंगे, चेस्ट जो लेंगे आधी इधर, वेस्ट भी आधी इधर आधी इधर, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटर लाइन ली है। सबसे पहले हम अक्रॉस बैक का हाफ 7 इंच, ये जो हमने सेंटर लाइन ली है इस सेंटर लाइन से हाफ इधर और हाफ इधर हम मार्क करेंगे। 14 इंच तीरा है हमारा, तो यहां पर हम लेंगे 7 इधर लेना है और 7 हमने इधर लेना है। ये यहां से यहां तक अक्रॉस बैक 14 इंच, 1/4 में हम अक्रॉस बैक का हाफ करते हैं 7 इंच आता है, लेकिन इसमें हमारा 7 इंच इधर और 7 इंच इधर, तो हमारा टोटल हुआ 14 इंच। ये हम 1/4 में करते तब लेते, ये 7 हमारा यहां पर है, 7 यहां पर, तो टोटल हमारा है ये 14 इंच। उसके बाद हम आर्म होल के लिए डाउन आएंगे। आर्म होल के लिए क्रॉस बैक का हाफ प्लस हाफ इंच 7.5 इंच, क्रॉस बैक से डाउन आएंगे 7.5 इंच, साढ़े सात इंच ही हम यहां पर डाउन आएंगे इधर, उसके बाद बस्ट लाइन निकालेंगे। ब्रस्ट लाइन भी हम 2 पे निकालेंगे, बस्ट डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इंच, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 इंच प्लस 3 इंच इज इक्वल टू 21 इंच। सेंटर लाइन से 21 का हाफ 10.5
इधर और 10.5 इधर 21 हम टोटल निशान लगाएंगे यहां पर। ये हमारे यहां से यहां तक टोटल 21 इंच है। बस्ट का प्लस 3 इंच इज इक्वल टू 21 इंच, ये यहां से यहां तक है। 1/4 करते हैं तो हम बस्ट का 4 प्लस 1.5 करते, फर्क इतना है कि हम यहां पर बस्ट को डिवाइड 2 से करके कर रहे हैं, क्योंकि ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आ जाए ये वन शोल्डर किस प्रकार से लिया जाता है। उसके बाद हम वेस्ट लाइन निकालेंगे। वेस्ट लाइन के लिए वेस्ट डिवाइड बाय 2 प्लस 5 इंच। 5 इंच क्यों? 5 इंच इसलिए इसमें कि हमने यहां पर एक एक इंच ऐड किया है डोल्ट के लिए। 30 को 2 से डिवाइड किया 15 इंच प्लस 5 इंच इज इक्वल टू 20 इंच। सेंटर लाइन से 10 इधर 10 इधर टोटल 20 हमें वेस्ट लाइन का निशान लगाना है। ये हमारी यहां से यहां तक हमने ली है, यहां पर इसको 20 से मिला देंगे। सेंटर लाइन को देखेंगे तो सेंटर लाइन से 10 इधर और 10 ही इधर लेना है हमें। वेस्ट है हमारी वेस्ट का हाफ प्लस 5 इंच इज इक्वल टू 20 इंच। ये लेने के बाद इसमें आप डॉट कोई भी डाल सकते हो, प्रिंसेस कट डॉट डालना चाहते हो, सिंपल डॉट डालना चाहते हो, जिस भी डॉट का उपयोग इसमें करना चाहे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर नेक विड्थ निकालेंगे। नेक विड्थ निकालने के लिए बस्ट डिवाइड बाय 12, 36 को 12 से डिवाइड किया 3 इंच, इसमें 3 इंच हमारी विड्थ निकल करके आई है नेक की। अगर हम ज्यादा प्रोड करना चाहते हैं तो इसमें 3.5 इंच तक आप इसमें निशान लगा सकते हैं। ये हमने यहां पर विड्थ का निशान लगाया, हाफ इंच सीधा डाउन किया और इससे इसको मिला दिया। यहां पर भी इसको किया। ये सिर्फ मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बता रही हूं कि इस तरीके से हमें करना होता है। उसके बाद ये जो हमारी लाइन बची है इसका हाफ करेंगे, हाफ करके इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके आएंगे। स्केल की सहायता से ला सकते हैं या फिर फ्री हैंड जैसे भी आप करना चाहे इसकी सेव करके, और ये यहां पर बस लाइन से मिला देंगे। इसी में हमें बैक भी बनाना है तो बैक की सेप भी हम आर्मोल की इसमें करेंगे, यहां से उठाएंगे और बस लाइन से लाके मिला देंगे इसी प्रकार इधर। लेकिन इधर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ये वन पीस शोल्डर है, एक तरफ ही हमें आर्मोल की जो है सेप करनी होती है, एक तरफ बाजू लगती है, एक तरफ यहां पर कोई सेप नहीं होती है। नेक लेंथ के लिए बस्ट डिवाइड बाय 6 इंच। यहां पर ये जो सेंटर लाइन है यहां से 6 इंच डाउन आएंगे। लेंथ के लिए यहां निशान लगाएंगे,
और ये जो हमारी आर्म होल का ये पॉइंट है, ये वाला बस लाइन जो हम आर्म होल से मिलाते हैं, इससे यहाँ पर किसी भी फ्रेंच कर्व सेट की सहायता से या सेपर की सहायता से हम यहाँ पर इसकी सेप करेंगे। सेप करने के लिए आप फ्री हैंड, अगर आप सही से कर सकते हैं, फ्री हैंड भी यहाँ पर सेप की जा सकती है। यहाँ इस लेंथ लाइन से मिलाया, मिला के ये इधर वाला जो शोल्डर लाइन है हमारी, ये वाली, यहां से आर्म होल लाइन को इस प्रकार मिलाएंगे। यहाँ पे कोई शेप नहीं करनी है, एक तरफ हमने यहाँ आर्म होल की शेप की है, एक तरफ हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे वन शोल्डर जो टॉप है आर्म होल की, जो हमें इधर सेव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा वन शोल्डर जो ये है सिर्फ एक साइड ही रहेगा, एक साइड हमारा यहाँ पर ये कट होगा। ये करने के बाद अगर हम यहाँ पर प्रिंसिस कट डालना चाहते हैं डॉट, तो प्रिंसिस देंगे, सिंपल डालना है तो सिंपल। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है इससे 3.5 इंच इधर आएंगे, मार्क करेंगे 3.5 इंच सेंटर पॉइंट से इधर आएंगे, मार्क करेंगे। और ये जो हमारा आर्म होल का हाफ है यहाँ से यहाँ तक गोलाई का, इससे हम इसको मिला देंगे। पॉइंट निकालने का फॉर्मेट वही है, बस डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच, 36 को 4 से डिवाइड किया 9 प्लस 1 किया 10 इंच, अक्रॉस बैक से डाउन आएंगे 10 इंच, 10 इंच डाउन आने के बाद 1.5 इंच हम यहाँ नीचे निशान लगाते हैं, ये हम 10 इंच डाउन आए और 1.5 इंच पर हमने यहाँ पर 1.5 इंच 1.25 इंच 1 इंच नीचे आना और निशान लगाना है, इस डॉट को यहाँ पे इस प्रकार से मिला देना है। आधा इंच का हमने 1 इंच ऐड किया डॉट के लिए, आधा इंच की हम यहाँ पर डॉट डालेंगे। और यहाँ पर इसको ला करके यहाँ पर ये मिलाएंगे, इसी प्रकार यहाँ पर इसमें बैक और फ्रंट हमारे दोनों ही एक साथ बन रहे हैं, एक जैसे बनेंगे। जिस प्रकार हमने यहां से उठाया, इसको यहां से 45 से उठाते हुए और यहां पर ला करके इसको ये हम कट लगाएंगे, यहां सेव देंगे इसको। यहां पर इसकी ये सेव देंगे। ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों ही ड्राफ्टिंग है, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट बैक दोनों ही एक जैसे कटेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसमें स्लीव लगाने के लिए स्लीव भी हम कोई भी स्लीव लगा सकते हैं, सिंपल स्लीव लगा सकते हैं, अम्ब्रेला स्लीव लगा सकते हैं, बेल स्लीव लगा सकते हैं, कोई भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। 6 इंच हमारी जो है स्लीव लेंथ है, तो यहाँ पर हम अम्ब्रेला स्लीव बना लेते हैं या बेल स्लीव या सिंपल स्लीव कोई भी आप लगा सकते हैं। जितनी हमारी आर्म होल की गोलाई होती है उसको मेजर कर लेते हैं, ये यहां से यहां तक की जो हमारी गोलाई होती है आगे पीछे की दोनों, उसको मेजर कर लेते हैं। मेजर करने के बाद हमारी 14 इंच 15 इंच जो भी आती है, हमारी यहाँ पर 14.5 आएगी, तो उसी हिसाब से हम निकालेंगे इसकी जो गोलाई करेंगे वो पार्ट निकालेंगे। यहाँ पर हमने ये हमने 6 इंच लेंथ तैयार करनी है और इसकी गोलाई करने के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच और ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 में 1 प्लस करेंगे 7
और 2.5 इंच यहाँ पे लेंगे, 7 और यहाँ पर 2.5, हम ये टोटल 9.5 10 इंच लंबाई चौड़ाई लेंगे, 9.5 चौड़ाई 9.5 लंबाई इस तरीके से लेंगे। ये जो कॉर्नर है ये हमारी फोर्थ साइड है। इस कॉर्नर से 2.5 इधर निशान लगाएंगे, 2.5 पर इधर निशान लगाएंगे और इसकी गोलाई कर देंगे इस प्रकार से। ये जो हम गोलाई कर रहे हैं ये वाली, ये हमारी आर्म होल के इक्वल आपकी मिलेगी। जब हम इसको खोलेंगे इसका जो राउंड बनेगा इस तरीके से, तो ये जो राउंड है हमारी आर्म होल के इक्वल ही निकलेगा। 2.5 हमने यहां पर लेना है और 2.5 भी यहां पर लेना है। ये लेने के बाद यहां पर हमारी जो लेंथ बचेगी ये यहां से यहां तक 7 इंच, 7 इंच ही हमारी यहां से यहां तक बचेगी। ये करना है। उसके बाद करना क्या है, जब ये गोलाई करेंगे कट करेंगे उससे पहले हम ये हमने ये 7 का निशान लगाया और ये हमने गोलाई कर दी यहां पर। ये गोलाई करने के बाद हम इसमें जब अटैच करेंगे तो ये गोलाई जब करेंगे इसमें कम ज्यादा करते हैं, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम 1 इंच कम करते हैं और ऊपर वाला पार्ट है हमारा 1 इंच ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी स्लीव बनेगी। ये वाला हमारी आर्म होल की जो पॉइंट है ये वाला इस पॉइंट पे आएगा और ये वाला हमारा ऊपर आएगा। ये हमारी वन शोल्डर टॉप की ड्राफ्टिंग बनकर तैयार हुई।